अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, उम्मीद का तो सब खैरियत से होंगे। सर्दियाँ आ गई हैं और कबूतरों में बुखार, नज़ला, ज़ुकाम और छींके भी मारते हैं, ये सारी बीमारियाँ आ रही हैं। तो कबूतरों को महफूज रखने के लिए इनसे एक आपको बड़ा ही आजमूदा नुस्खा बता रहा हूँ। इसमें आपने अदरक लेना है और अदरक के आप 2 स्लाइस बीच में से ले लें। सेकंड में आपने सफ़ेदे के पत्ते ले लेने हैं, खुश्क हों या ताज़े हों। 8 से 10 सफ़ेदे के पत्ते ले लें। दालचीनी ले लें 3 इंच के 2 पीस। लौंग ले लें 4 अदद। मलट्ठी ले लें 1.5 इंच बराबर। हल्दी 1/2 टीस्पून और काली मिर्च 1/4 चम्मच। इन सब चीज़ों को 1.5 किलो पानी में डाल के, 1.5 लीटर पानी में डाल के पकाएं और जब हल्की आंच में पकाएं, जब आधा लीटर रह जाए तो उतार लें, उतार के ठंडा कर लें और किसी बोतल में महफूज कर लें। और कबूतरों को उनके जो बर्तन हैं उनमें 1 कप डाल के कबूतरों को दें। तो कबूतरों का आपका रेशे का मसला, आपके कबूतरों को बुखार हुआ हुआ है वो ठीक हो जाएगा, अंदर कुछ स्वेलिंग वगैरह हुई है वो ठीक हो जाएगी, और आपके कबूतरों का हाजमा भी बेहतर हो जाएगा। प्लस इसमें जो बेनिफिट है, इसमें जो सफ़ेदे के पत्ते हैं ये एज ए डिवॉर्मर भी काम करते हैं, आपके कबूतरों को डिवॉर्मिंग इफेक्ट भी मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो को पसंद आए, कृपया से सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। जजाकअल्लाह।